Israel has declared it is at war. In just 6 days, the state of Israel shocked the world. '67 में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें यूएस के आंखों के सामने रशिया के प्रेजेंस में और इजिप्ट के फुल प्रिपरेशन के बाद भी 6 दिन में जो हुआ उसको दुनिया आज तक नहीं भूल पा रही है। वी विल रिटेलिएट इन सच अ वे दैट द होल मैप ऑफ मिडिल ईस्ट विल चेंज। ये स्टेटमेंट दिया गया है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इन रिस्पांस टू द डेडली अटैक लॉन्च्ड बाय हमास टेरर आउटफिट ऑन इजराइल ऑन 7th of October 2023। और तब से लेके अब तक इजराइल ने जो फुल स्केल असॉल्ट लॉन्च किया है पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप पर, उसमें एटलीस्ट 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई है और उससे बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। पर ये सिनेरियो हम पहली बार नहीं देख रहे। इजराइल ने अपने फॉर्मेशन से लेके अब तक ऐसे कई डेडली वॉर्स देखे हैं और उसमें एक ऐसा वॉर भी शामिल है जिसके बाद एक्चुअल में मिडिल ईस्ट मैप बदल गया था। यहाँ बात हो रही है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी 6 डे वॉर की। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए 6 डे वॉर की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 1967 में इजराइल पर उसकी 3 नेबरिंग अरब कंट्रीज की कंबाइंड मिलिट्री ने अटैक कर दिया था, जो कि इजराइल के कंपैरिजन में 3 times ज्यादा पावरफुल थे। बट इन द एंड ऑफ द 6 डे इसराइल ने इन तीनों फोर्सेस को जमीन दोस्त कर दिया और आयरोनिकली अपनी टेरिटरी से 3 to 4 times बड़े लैंड एरिया पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया। बट ये 6 डे वॉर कोई एक दिन में तो नहीं प्लान हुआ होगा, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना जरूरी है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि इजराइल के फॉर्मेशन के बाद से ही, मतलब 1948 से ही, डेकेड्स एंड इवन सेंचुरीज से चले आ रहे अरब्स और ज्यूज के बीच की टेंशंस अब डिसाइसिव स्टेजेस पर पहुंच रही थी। इस सीरीज में इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज ने 1948 एंड 1956 में इजराइल पर अटैक कर दिया, पर उन वॉर्स में उनको कुछ हासिल नहीं हो पाया जो उन्हें एक्सपेक्टेड था। अब 1967 में रिलेटिवली कोई वॉर लाइक एनवायरनमेंट के ना होते हुए भी यूएसएसआर के एक फॉल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने लाया प्लॉट में ट्विस्ट। यूएसएसआर के इंटेलिजेंस में इजिप्शियन गवर्नमेंट को यह बताया गया कि इजराइल सीरिया पर अटैक करने जा रहा है और अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर पर ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहा है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बेस्ड इजिप्ट ने अपने एलाय सीरिया को हेल्प करने के लिए अपने सिनाई पेनिनसुला में ट्रूप्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और वहां सिचुएटेड यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो 1948 से यहां स्टेशन थी उसको एक्सपेल कर दिया। और एक लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसे कहते हैं वो इजिप्ट की तरफ से लगाया जाता है, जो कि इजिप्ट की तरफ से इजराइल की शिप्स को स्ट्रेट ऑफ तिरान में ब्लॉक किया जाने के एक्शन को कहा जा सकता है। इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करते हुए ऑपरेशन फोकस को लॉन्च किया। इस वॉर में जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया की कंबाइंड आर्मी थी अराउंड 2.5 lakhs, टैंक्स अराउंड 2500 एंड एयरप्लेन अराउंड 957 वर्सेस इजराइल की 1 lakh आर्मी, 800 टैंक्स एंड ऑलमोस्ट 300 एयरप्लेन। ऑपरेशन फोकस एक ऐसा एरियल एक्शन था जिसने इजिप्ट की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी, पर ये इतना स्किलफुली प्लान किया गया था कि इजरायली न्यूज़पेपर्स ने एक फेक न्यूज को पब्लिश कर दिया कि इजराइल के सोल्जर्स वेकेशन पर चले गए हैं और इसीलिए अब उनकी एयरफोर्स रेगुलर ट्रेनिंग और सर्वेलेंस के मिशंस कर रही है, जिसको काफी नॉर्मल सी एक्सरसाइज जैसा दिखाया गया। उन्होंने अपने इस एक्सरसाइज में स्किलफुली अमेरिकन एम्बेसी पर लगे हुए ट्रैकिंग एंटीना को भी डैमेज कर दिया ताकि अमेरिकन को भी ऑपरेशन फोकस के बारे में कुछ पता ना चल सके। जून की 5 तारीख को जब इजिप्शियन एयर डिफेंस सिस्टम को कोई आइडिया ही नहीं थी, तब इजराइल के 200 एयरक्राफ्ट इजिप्ट में एंटर करते हैं और ऑलमोस्ट 330 यानी 90% ऑफ इजिप्शियन प्लेन्स और 100 पायलट्स को 3 hours में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस अटैक के रिटेलिएशन में जॉर्डन एंड सीरिया की एयरफोर्स इजराइल के ऊपर अटैक कर देती है, पर उनको भी वेल प्रिपेयर्ड इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हार का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते इजराइल का मिडिल ईस्ट के स्काइज पर पूरा डोमिनेशन हो जाता है। एयरफोर्स के बाद अब बारी आती है ग्राउंड ट्रूप्स की। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप पर इजरायली टैंक्स एंड इन्फेंट्री अटैक कर देती है। इजिप्ट के साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, पर यहाँ भी इजराइल की ही विक्ट्री होती है। इसी बीच जॉर्डन को एक फॉल्स न्यूज मिलती है कि इजिप्ट की विक्ट्री हो चुकी है और इसी इन्फ्लुएंस में आकर वो जेरूसलम पर अटैक कर देते हैं, जहाँ उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। 6 डे वॉर की लास्ट फाइट 9 जून को गोलन हाइट्स में होती है, जहाँ घुसकर इजराइल की विक्ट्री हो जाती है और इन सारी टेरिटरीज पर इजराइल का कंट्रोल हो जाता है। इस तरह इजराइल की एक भारी जीत हो जाती है और इसी बीच यूएन सीज फायर ऑर्डर कर देता है।
इस वॉर में अराउंड 20,000 अरब्स और 800 इजरायलीज की डेथ हुई थी, और अरब कंट्रीज जो कि एक पावरफुल फोर्स थी मिडिल ईस्ट की, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक इतनी छोटी सी और लेस इक्विप्ड कंट्री हमें कैसे हरा देती है। इस वॉर के बाद इसराइल ने 1982 में पीस को रीएस्टैब्लिश करने के पर्पस से जो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से एक्वायर किया था उसे लौटा दिया, और 2005 में गाजा स्ट्रिप को भी पैलेस्टाइन को वापस कर दिया, पर वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर अपना ऑक्यूपेशन कायम रखा। सो फ्रेंड्स, ये थी मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड के हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग फाइट की स्टोरी। आपको ऐसी ही और कौन सी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।